बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ चैप्टर में से केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? हमने पिछली वीडियो जब इस टॉप चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई है उसमें आप देखें, आपको केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन मैंने बताई है कि जो फोर्स जो है दो एलिमेंट्स को कंबाइन करती है नया मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाने के लिए, तो उस फोर्स को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। आपकी बुक में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है? वो फोर्स होती है जिसकी वजह से टू एटम्स या मोर एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं या जुड़े रहते हैं, तो उनके दरमियान रिलेशनशिप जिस फोर्स की वजह से बरकरार रहता है उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब हम बॉन्ड की डिटेल में जाने से पहले हम थोड़ा सा पिछला जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनके लास्ट शेल में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके दो होते हैं। यहाँ पर आ जाएं तो ये तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ, इनके सबके लास्ट शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो हैं ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल के ज़रिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। और ये कब स्टेबल होते हैं? जब इनका आखिरी शेल में दो या आठ इलेक्ट्रॉन हो, यानी एक ही शेल हो तो दो इलेक्ट्रॉन हो, अगर एक से ज़्यादा शेल हो तो उस शेल में दूसरे तीसरे चौथे शेल में ये आठ इलेक्ट्रॉन, अगर वो आखिरी है यानी लास्ट है तो उसमें वो आठ इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। जब ये जो फर्स्ट ग्रुप के हैं एक इलेक्ट्रॉन है तो ये मोनोवेलेंट कहलाते हैं, इनकी वैलेंसी प्लस वन होती है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। सेकंड ग्रुप की वैलेंसी जो है वो प्लस टू होती है। थर्ड ग्रुप की वैलेंसी प्लस थ्री होती है, फोर की दोनों हो सकती हैं। फिफ्थ की जो है ये तीन इलेक्ट्रॉन चूँकि लेता है तो इसकी माइनस थ्री होती है, इसकी माइनस टू होती है और इसकी माइनस वन वैलेंसी होती है। अब ये करते क्या हैं कि ये जब इलेक्ट्रॉन अपने दे देते हैं तो क्या होता है कि उनके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो आयन बन जाते हैं, यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाती है। ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, पिछली वीडियो को दोबारा से रिकॉल करें कि जो इलेक्ट्रॉन ये जब स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं, या तो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या अपने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इनके ऊपर चार्ज आ जाता है, कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन देने से कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन वसूल करने से, लेने से, इलेक्ट्रॉन गेन करने से कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। जब वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, हम यहाँ से किसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम की हमने पिछली वीडियो में सोडियम की एग्जाम्पल ली थी, तो सोडियम की हम दोबारा से ले लेते हैं। सोडियम की एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। तो 11 है तो इसके पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में आठ होंगे और तीसरे में वन होंगे, यानी दो और आठ दस और एक ग्यारह। तो ये क्या करेगा? ये आखिरी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल देगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब ये निकाल देगा तो क्या होगा कि ये जब सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं आखिरी शेल में से तो इसके दो ही शेल बाकी रह जाएंगे, यानी एक में दो होंगे और दूसरे में आठ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके ऊपर फिर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। तो ये क्या है? ये सोडियम का न्यूट्रल एटम है, ये न्यूट्रल है जिसमें जो है ये दो आठ और एक इलेक्ट्रॉन होती हैं, और ये जो सोडियम है ये इसके ऊपर पॉजिटिव, ये न्यूट्रल नहीं है बल्कि ये क्या है? ये कैटायन बन जाता है, इसको कैटायन बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब हम यही मोनोवेलेंट में सेवन्थ ग्रुप की एग्जांपल हमने ली थी क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है, 17 है एटॉमिक नंबर क्लोरीन का, 17 है। तो इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पहले में दो, दूसरे में आठ दस हो गए और तीसरे में सेवन। ये शेल्स हैं, ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है हर शेल में। तो फर्स्ट शेल में यानी के शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में आठ होंगे और एम में सात होंगे। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं से जब ले लेगा तो क्या होगा?
अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया है, तो एक पे 8, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8, ये कंप्लीट कर लेता है। तो ये वाला जो आयन बनता है इसको एन आयन कहते हैं, यानी नेगेटिव आयन। एन से याद रखना है नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन को एन आयन कहते हैं और पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं। अब एक आयन देखें पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसमें जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, यानी हमेशा से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो मिल के जो है ये क्या बना देते हैं, एक कंपाउंड बना देते हैं NaCl, पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस कर लेता है, तो ये न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है। तो ये दोनों क्या है, ये मोनोवेलेंट के लिए हम फर्स्ट ग्रुप का जो है वो जब इसके साथ बनाएगा तो ये होगा NaCl बन जाएगा। अब हम जो है दूसरे की मिसाल ले लेते हैं, जो डाईवेलेंट मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं जो कैटायन बनाता है, फर्ज करें सेकेंड ग्रुप में से हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से ले लें फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ से कैल्शियम की एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 20, तो कैल्शियम को देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है 20, तो फर्स्ट शेल में कितने हैं 2, दूसरे में भी 8, तीसरे में भी 8, कितने हो गए 2 और 8, कितने हो गए 10, 10 और 8 18, तो 2 और होंगे, तो फोर्थ में कितने आ गए 2। ये क्या करता है कि लास्ट वैलेंस शेल में देखें, इसके 1 इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, इसके 2 हैं तो ये 2 दे देगा, ये वाले 2 जो हैं ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, तो ये क्या करेगा, ये क्या बना देगा कैल्शियम का +2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इसके फिर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3 शेल रह जाएंगे 2, 8 और 8 के साथ, तो ये वाला क्या होगा, ये कैल्शियम का कैटायन बन जाता है। अब ये भी पॉजिटिव है और ये क्या क्लोरीन नेगेटिव है, तो जब ये क्लोरीन पॉजिटिव है +2, तो प्लस ये क्लोरीन नेगेटिव, अब ये -1 है, क्लोरीन -1 है, तो ये 2 क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा ताकि 2 इसके साथ बैलेंस हो जाए, तो ये बनाया जाएगा CaCl2। क्या करेगा, CaCl2 बना देगा, क्योंकि ये +2 है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए जब ये न्यूट्रल बनाना चाहता है तो +2 के साथ -2 होना चाहिए, तो ये -1 -1 के 2 ले लेता है, तो ये -2 बन जाते हैं, तो CaCl2 बना देता है। अब हम थर्ड ग्रुप का इसी तरह अगर लेते हैं, थर्ड ग्रुप की कोई एग्जांपल ले लें, यहाँ से ये थर्ड ग्रुप आ जाता है, यहाँ से हम एल्यूमिनियम की एग्जाम्पल ले लें, तो इसका एटॉमिक नंबर है 13, तो 13 एटॉमिक नंबर, हम इसको देख देते हैं, थर्टीन है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में 3 होंगे, तो ये 3 जो है ये निकाल देगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो फिर इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा, तो +3 चार्ज है, तो इसके फिर पहले में 8 और दूसरे में 2 ही इसके शेल्स रह जाएंगे, तो ये क्या बना देता है, ये भी कैटाइन है। अब ये भी नेगेटिव, हम एक ही एग्जाम्पल ले ले रहे हैं बार बार, हम कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन की जगह नेगेटिव की कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो इसी तरह ही वो उसकी भी एग्जाम्पल होगी, तो Al+3 है, तो ये अगर हम क्लोरीन को ही ले लें तो ये कितने क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, ये +3 है, तो जाहिर है ये 3 क्लोरीन को जो है वो अट्रैक्ट करेगा, तो 3 क्लोरीन मिलके तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड AlCl3। समझ आ गई आपको कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। हम अब कोई और एग्जांपल अगर लेना चाहें, आपकी बुक में से आगे दिया हुआ है, बुक में से हम पढ़ लेंगे, जो जो बुक में आपको एग्जांपल दी हुई है हम वही एग्जांपल ले लेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो अब ये जो है ये किसकी, ये जो बांड बनाते हैं कंप्लीट ट्रांसफर से, जो आपको मैंने एग्जांपल दी, कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब है या तो इलेक्ट्रॉन दे देना या फिर इलेक्ट्रॉन्स को ले लेना, तो ये इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लेने या देने से जो आयन बनता है, ये केमिकल बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो ये जो मैंने एग्जांपल दी थी ये सारी किसकी हैं, आयनिक बॉन्ड, यानी आयन से बनता है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो ये पहली जो है टाइप होगी केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड की जो है 4 टाइप्स हैं, पहली
पहली टाइप जो है यही जो आपको अभी मैंने बताई एग्जाम्पल के जरिए, पहली टाइप है ऑयनिक बॉन्ड, दूसरी टाइप है इसकी कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड टाइप है इसकी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसको डेटम बॉन्ड भी कहते हैं। इसका एक और नेम है क्या है, डेटम बॉन्ड। और फोर्थ इसकी जो टाइप है वो है मेटैलिक बॉन्ड, जो मेटल्स के बनता है मेटैलिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का जब हमने किया तो यहाँ पर देखें, आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो एक चीज जो आपने जो है नोटिस की होगी कि ये हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। ये देखें, ये मेटल्स हैं, ये ग्रीन कलर की जो है ये नॉन मेटल्स आपको दी हुई हैं, और ये हेलोजेंस हैं। तो ये जो है ये नॉन मेटल्स हैं सारे, और ये जो हैं ये मेटल्स हैं। तो आपने देखा कि हमेशा से आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है। अब बुक में पढ़ते हैं कि बुक पे क्या लिखा हुआ है। व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब भी एलिमेंट कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए तो केमिकल बॉन्ड के जरिए होते हैं। व्हेन अ कंपाउंड अंडरगो केमिकल रिएक्शन, जब यही कंपाउंड केमिकल रिएक्शन करते हैं द बॉन्ड बिटवीन देम इज रीअरेंज। तो बॉन्ड क्या होता है, रीअरेंज हो जाता है। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, फर्ज करें हमारे पास दो कंपाउंड बन चुके हैं, अब उनमें रिएक्शन हो रहा है, तो फर्ज करें हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, हम जी NaNO3 प्लस, अब फर्ज करें कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमने जो कंपाउंड अभी पीछे बनाया था फर्ज करें हम उन्हीं में से कोई ले लेते हैं, या हम किसी एसिड और बेस का केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये रिएक्ट कर रहा है किसी भी बेस के साथ, यानी ये कर रहा है NaOH के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये मिलके क्या बनाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर आप देखें कि H और Cl के दरमियान बॉन्ड है, H और Cl के बीच में, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके ये HCl बनाते हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है H और CH के साथ, और यहाँ पे बॉन्ड 3 के बीच में है, यानी NaO और H, NaO और H के दरमियान में जो है वो बॉन्ड बना हुआ है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो पहले वाले बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, यानी बॉन्ड्स अपने आप को जो टूटते हैं और नए बॉन्ड भी बनते हैं, और जब कोई डीकम्पोज होता है तो वो बॉन्ड जो है अपने आप को रीअरेंज भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। अब ये देखें, ये वाला OH और ये H जो है ये मिलके जो है ये वाटर बना देते हैं, और ये Cl और Na जो है इनका आपस में बॉन्ड बन जाता है, और इनका आपस में बॉन्ड बन जाता है। तो क्या होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है कंपाउंड्स के बीच में, यानी पहले तो एटम्स जो हैं वो मिलके कंपाउंड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनते हैं, लेकिन जब उन कंपाउंड का आपस में रिएक्शन होता है तो वही बॉन्ड पहले वाले टूट के नए बॉन्ड बन जाते हैं, तो इसलिए नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द एटम टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। व्हेन अ कंपाउंड डीकम्पोजेस सम और ऑल ऑफ द बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन, यानी जब नई चीज बनती है तो पहले वाले बॉन्ड टूटते हैं तो फिर नए बॉन्ड बनते हैं। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड आपको दिए, फोर टाइप्स हैं जो मैंने आपको बताई, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटैलिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो आपको मैंने अभी एग्जाम्पल्स के जरिए समझाया वो क्या होता है, पहले आयन्स बनते हैं, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव और कंपाउंड बना देते हैं। द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द कम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसके दो नाम है, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
बिटवीन एटम कंप्लीट द ऑक्टेट एंड डबलेट, यानी स्टेबिलिटी के लिए वो अपने ऑक्टेट और डबलेट जो है वो कंप्लीट करते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज ऑलवेज बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, जो मेटल्स होती हैं हमेशा से वो पॉजिटिव आयन बनते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं टू फॉर्म द कैटाइन, कैटाइन पॉजिटिव आयन को कहते हैं। नॉन मेटल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल हमेशा एक इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट को कम्प्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो लेते हैं, इसलिए वो एनायन बना देते हैं। इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन वन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड अदर गेन इट, और दूसरा उसको ले लेता है। द एटम दैट लूजेज इलेक्ट्रॉन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एंड द अदर एटम विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये अभी एग्जाम्पल्स के जरिए मैंने आपको समझाया। ड्यू टू अपोजिट चार्ज एन इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेटअप। अपोजिट चार्ज होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स होल्ड दीज आयन्स टुगेदर, इस फोर्स के जरिए वो दोनों आयन इकट्ठे हो जाते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रेफर्ड एज आयनिक बॉन्ड। एन एटम हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ये भी आप पिछले चैप्टर में बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो इसलिए जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ईजी होता है, यानी कम एनर्जी में हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, जिनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं और पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाते हैं। विल लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइन, पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाते हैं। एटम हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन एनायन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ होती है ये भी पिछले चैप्टर में आपका ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने के लिए, ये कोवेलेंट बॉन्ड में होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो उसको उसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लेता है। अब फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो एग्जांपल मैंने आपको दी है वही बताया हुआ कि सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होती है आयनिक बॉन्ड के जरिए। आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल है ये कि सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन टू गिव सोडियम क्लोराइड, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। ये सारा आपको मैं अभी समझा चुकी हूँ कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है तो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है। वी नो दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो फिर क्या बना देते हैं, सोडियम क्लोराइड। दिस फोर्स यूनाइट दीज आयन्स क्रिस्टलाइन लेटर, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है यानी एक तरतीब से जो है वो आपस में ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं, क्रिस्टलाइन लेटिंग में होते हैं। इन दिस वे एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन आयन विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये क्रिस्टलाइन लेटर्स की आपको ये देखें ये वाली दी हुई है, तो ये इस फॉर्म में सोडियम क्लोराइड का जो है वो इस तरह जो है वो जुड़े होते हैं, जिनमें से ग्रीन कलर का जो है वो क्लोरीन का एटम है और जो पर्पल कलर का दिया हुआ है वो सॉरी एटम नहीं है बल्कि आयन है, और जो पर्पल है वो किसका है, ये सोडियम का आयन है। तो सोडियम और क्लोराइड आयन इस तरह आपस में बिल्कुल अरेंज कर लेते हैं, खुद को सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, अब डाइवेलेंट है कैल्शियम यानी प्लस टू चार्ज देता है, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है कैल्शियम, ये इसने दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और प्लस टू चार्ज आ गया। ये क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसके ऊपर माइनस वन चार्ज आ गया। अब ये एक कैल्शियम दो क्लोरीन को अट्रैक्ट करता है, दोनों इससे ले लेते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन एक जो है इसको दे देता है एक इसको दे देता है, इसके आठ आठ पूरे हो जाते हैं और इसका ये वाला शेल जो है वो खत्म हो जाता है। तो कैल्शियम इन दोनों को फिर अट्रैक्ट करता है तो ये कैल्शियम क्लोराइड बना देते हैं। इसी तरह मैंने एल्युमिनियम क्लोराइड का आपको बताया, तो अब ये टेस्ट योरसेल्फ है,
फर्स्ट है, इन व्हाट वेज डू एटम फॉर्म आयन? एटम फॉर्म आयन कैसे बनाते हैं? एटम आयन जो है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाते हैं। इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, इट बिकम्स कैटायंस। एंड इफ एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स एन आयन। व्हाई डू एटम फॉर्म आयंस? द एटम फॉर्म आयंस फॉर देयर स्टेबिलिटी, टू गेन द स्टेबिलिटी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स और डुप्लेट। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन विच टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स? आपने पढ़ा कि कौन से एलिमेंट्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में। दो टाइप कौन सी होती हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स। स्टेट द फार्मूला ऑफ द आयंस फॉर्म बाय द फॉलोइंग एटम। आपने फार्मूला के एटम से क्या, अब कैल्शियम क्या होगा? कैल्शियम का ये है तो दो इलेक्ट्रॉन दे देगा और बाकी कैल्शियम आयन बन जाएगा। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, दोबारा से बता देती हूँ। तो ये कैल्शियम आयन है, इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है तो ये 1 लेगा, तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। अच्छा जी, ये लिथियम है, इसका भी 1 है तो लिथियम के ऊपर +1, ये क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ऑक्सीजन के पास 6 है तो 2 इसको चाहिए, ये 2 लेगा, तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द आयनिक बॉन्ड्स इन मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमने क्या करना है कि आयनिक बॉन्ड के लिए हमने डायग्राम ड्रा करनी है, एंड मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए। तो उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया था, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए आप बना दें, और किसके लिए? मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। तो मैग्नीशियम का क्या एटॉमिक नंबर होता है वो देख लें पहले। ये देखें, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम जो है वो क्या है? 12 है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 है। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 है। ये हम एटॉमिक नंबर क्यों लिखते हैं? कि ये इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं। अब मैग्नीशियम का जब हम एटम बनाते हैं तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 और 8 कितने हो गए? 10। और फिर नेक्स्ट में हमारे पास कितने आ जाएंगे? 2। लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन के एटम में फर्स्ट जो है शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे में 6 हैं, क्योंकि इसमें टोटल कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसमें जो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसको 2 और चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये अपने 2 रिमूव कर देगा, ये अपने 2 यहाँ पर ऑक्सीजन को दे देगा, ये भी और ये वाला भी। तो इसके पास जो है ये 8 जो है वो क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। जब ये इसको दे देगा तो इसके पास क्या होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखें, अब इसमें पूरे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब ये इसको दे देता है, ये रिमूव हो जाता है, जब इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो फिर इसका ये वाला शेल रिमूव हो जाएगा, और पीछे जो है वो इसका क्या बचेगा? ये देखें, ये इसका न्यूक्लियस आ गया मैग्नीशियम का, और ये इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सेकेंड में कितने थे? 8। थर्ड शेल इसका खत्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब थर्ड शेल खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। जब ये इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या हो जाएगा? ये कैटायन बन जाएगा, इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन को देखें तो इसका फर्स्ट शेल, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ये फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सेकेंड शेल में 6 थे, लेकिन 2 लेने के बाद कितने हो गए? 8। इसने भी कंप्लीट कर लिए, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया? -2 चार्ज आ जाएगा। ये प्लस और माइनस जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जब अट्रैक्ट करते हैं तो कंबाइन हो जाते हैं, तो फिर ये जो कंबाइन होके ये जो बनता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड बन जाता है। इसी तरह आपको नेक्स्ट जो है वो डू इट योर सेल्फ में दिया हुआ है, किसका? मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर मैंने लिखा है, इसी तरह उसकी भी डायग्राम बनाए।
मैग्नीशियम क्लोराइड में आयनिक बांड को शो करने के लिए आप कुछ इस तरह की डायग्राम बनाएंगे। ये देखें, ये मैग्नीशियम का आइटम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो फर्स्ट शेल में 2, दूसरे में 10, 8, ये 10 हो गए, और थर्ड शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 2। फिर क्लोरीन MgCl2 है, तो क्लोरीन के 2 एटम के साथ, क्योंकि एक एटम के इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन के ये जो दूसरा एटम बनाया जा रहा है उसके भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि दोनों क्लोरीन के एटम हैं, तो इसका भी एक कम है। इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए होते हैं, तो इसका भी एक कम है और एक इसका कम है, तो इसके पास 2 हैं जो इसने देने हैं। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये यहाँ से ये इसको दे देता है, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देता है। तो इसके क्या हो जाएंगे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आए तो ये क्या बन गया, ये मैग्नीशियम आयन बन गया। ये मैग्नीशियम का क्या बन गया, आयन बन गया, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव किए। अब ये देखें, ये मैंने इसी कलर का बना दिया ताकि आपको पता चले कि मैग्नीशियम का दिया हुआ है। तो जब ये इसका एक, ये बाकी 17 जो इसके अपने हैं, तो ये 18वां जो है ये मैग्नीशियम का दिया हुआ है, तो इसके क्लोरीन के आप ये भी आयन बन जाएगा, कैटाइन सॉरी एनायन बन जाएगा, क्लोरीन आयन। और ये भी जो है एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद, गेन करने के बाद, ये भी आयन में चेंज हो जाएगा। तो ये +2 मैग्नीशियम और 2 माइनस के, तो ये दोनों मिलके, तो ये वाला जो है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो प्लस माइनस अट्रैक्ट करती हैं, तो ये क्या बन जाता है, आयनिक बॉन्ड। तो ये इनके दरम्यान क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड। और ये कंपाउंड कौन सा बनाएंगे, MgCl2। तो इन्होंने क्या कंपाउंड बना दिया, इसके कंपाउंड बनाने के लिए इनके दरम्यान में क्या है, आयनिक बांड है। एक Mg और 2 Cl2 के दरम्यान क्या है, आयनिक बांड बना है। तो ये आप MgCl2 के लिए इस तरह की डायग्राम बनाएंगे। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अल्लाह हाफिज़।